प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की जो प्रथम पुस्तक है सरयू, उसमें पहला पाठ कबीरदास द्वारा रचित है, उसका अध्ययन करेंगे। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में हमने कबीर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। यदि कबीर का साहित्यिक परिचय याद करते हो तो तुम्हें बहुत फायदा है, क्योंकि अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों में ही कबीरदास के दोहे संकलित हैं। कवि का परिचय एक बार फिर से। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। भक्ति काल में निर्गुण और सगुण दो शाखाएं हुई हैं, और निर्गुण में भी ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो शाखा थी। तो इसमें ज्ञानाश्रयी जो शाखा है, इसके प्रतिनिधि प्रमुख कवि एवं संत काव्य जो हैं, संतों ने जो काव्य लिखे उनमें प्रवर्तक प्रमुख रूप से कबीरदास हैं, वो प्रसिद्ध हैं। एक महान संत, अच्छे या ये कहें कि समाज की वास्तविक स्थिति में सुधार करने वाले सच्चे समाज सुधारक कवि थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1455 अर्थात 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। कबीर अशिक्षित थे, परंतु बहुत श्रुत थे, बहुत से लोगों से उन्होंने बातें सुनी है इधर उधर, इसीलिए उन्होंने जो समाज में सुधार का प्रयास किया। वे ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे, वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे, वे एक युग पुरुष थे, उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। अपनी अनुभूतियों को सहज एवं प्रभावशाली ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में जो उन्होंने अनुभव किया, उसको आसानी से और प्रभावशाली ढंग से हर व्यक्ति के हृदय तक पहुंचाने में वो सिद्धहस्त हैं, अर्थात सफल हुए हैं। कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता एवं बाह्य आडम्बरों, धर्म के आधार पर जो संकीर्ण विचार है वो, और बाह्य आडम्बर कुरीतियों आदि का विरोध कर राम रहीम की एकता के माध्यम से मत मतांतरों से ऊपर उठकर मानवता की स्थापना का शंखनाद किया। अर्थात इन्होंने ही राम रहीम की एकता के माध्यम से जो मत हैं उन से भी ऊपर उठकर और मानवता की भावना को प्रमुख आधार दिया। वे आत्मिक साधना एवं मन की पूजा पर विश्वास करते थे। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर तीखे व्यंग्य किए। रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना का संदेश इनके काव्य में प्रमुख रूप से मिलता है। कबीर का शिल्प सरल सहज काहिए उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। भाषा पंचमेल खिचड़ी सधुकड़ी है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, ब्रज आदि शब्दों का प्रयोग हुआ। इनकी रचनाएं हैं वो बीचक में संकलित हैं।
इनका देहावसान संवत 1575 को मगहर में हुआ। इनके संबंध में एक दोहा है, संवत 1575 किया मगहर कुगोन, माघ सुदी एकादशी रलो फोन में फोन। ये इनका परिचय हुआ। जो परिचय अनिवार्य में है वह भी लिख सकते हैं। अब देखिए इनके पाठ का परिचय। प्रस्तुत संकलन जो इस पाठ में संकलित किया गया वो साखियों और पदों के माध्यम से, दोहे भी हैं जिन्हें साखियां कहा गया है और पद भी हैं। कबीर दास ने गुरु महिमा का महत्व बताया है। उनकी दृष्टि में सदगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का रास्ता दिखाता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी सदगुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। यह संसार सेमल के पुष्प की तरह क्षणभंगुर है, इसकी चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए, अर्थात इसकी तरफ मोहित नहीं होना चाहिए। सांसारिक मोह में न फंसने से संबंधित उन्होंने संदेश दिया। जब भगवान की कृपा होती है तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य है भगवान मिलने से ही, भगवान की कृपा होने से ही सद्गुरु की प्राप्ति। अब हम इनके कुछ दोहे उनका ही अध्ययन करेंगे, बाकी पाठ परिचय में आगे पढ़ेंगे। क्या है देखिए आगे इनका दोहा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। गुरु गोविंद तो एक है दूजा एहू आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। इसमें हमें पहले प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत दोहा संत कवि कबीर द्वारा रचित साखियों में से अवतरित है। इसमें गुरु और गोविंद की एकता का महत्व बताया गया है। अब देखिए इसकी हम व्याख्या करेंगे तो क्या समझाना है। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु और ईश्वर, गोविंद अर्थात ईश्वर तो एक है, दोनों एक ही हैं। दूजा एहू आकार, सिर्फ मनुष्य अज्ञानता की वजह से इनके आकार है वो अलग अलग मानता है। मनुष्य ने ही आकार के माध्यम से इन्हें अलग अलग बना दिया है। आपा मेट जीवित मरे, आपा का अर्थ है अहंकार। यदि मनुष्य अहंकार की भावना को त्याग दे तो जीते हुए ही मर जाता है। यहाँ पे ये मरना कोई व्यंग्य नहीं किया गया है, बल्कि ये बताया गया है कि सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है, मरे हुए के समान हो जाता है यदि वो अभिमान की भावना त्याग दे तो। पावे करता तो है ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, तो है गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया है उससे वो ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। देखिए इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। गुरु गोविंद तो एक है, कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु और ईश्वर तो एक ही हैं। दूजा एहू आकार, मनुष्य ने अज्ञानवश ही इनके आकार हैं वो अलग अलग बना दिए। दूजा दूसरा आकार इनकी आकृति या शरीर या उपाधि दे दी है। आपा मेट जीवित मरे, यदि अपनेपन अहंकार की भावना, आपा अहंकार की भावना को मेट दूर कर दे तो जिंदा होते हुए भी वो मर जाता है, अर्थात संसार से फिर उसे कोई मोह नहीं रहता है। तो पावे करतार,
तो वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, करतार ईश्वर को। इसमें हमें गुरु और विशेष लिखेंगे तो गुरु और गोविंद को एक बताया गया है। साथ ही दूसरा हम लिख सकते हैं कि इसमें गुरु की महिमा का वर्णन हुआ, क्योंकि गुरु मिलने से ही वह ज्ञान देगा और ईश्वर की प्राप्ति होगी। तीसरा हम इसमें बताएंगे अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा दोहा देखिए, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिमी बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। इसमें हमें प्रसंग लिखना है, प्रस्तुत दोहा या ये कहें कि साखी कबीर द्वारा रचित है। इसमें कवि ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की महिमा या गुरु का महत्व बताया है। अब व्याख्या क्या लिखेंगे, कबीर कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, गुरु मिलने से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है या ज्ञान रूपी प्रकाश मिलता है। हे मनुष्य, यदि तुम गुरु बना लोगे, यदि गुरु को अपना लोगे, तुम्हें ज्ञान रूपी प्रकाश मिल जाएगा। सो जीनी बिसरी जाए और उसे भूल मत जाना, बिसरी भूल जाए, उनको जानकर, गुरु को जानकर क्या करना है और उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसे प्राप्त करके भूल मत जाना, उनके मत को सो उनके जिनी उनके मत उनके विचारों को बिसरी जाए, भूल मत जाना। जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद ईश्वर ने कृपा की है अर्थात जब ईश्वर की कृपा हुई तब गुरु मिली आई, तभी गुरु मिलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की कृपा से ही सद्गुरु अच्छे गुरु हैं वो मिलते हैं। तो सीधा सा है कि कबीर बताते हैं कि जब गुरु मिलता है तो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान रूपी प्रकाश मिलता है, और गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी गुरु मिलते हैं। अब हम इसमें यदि विशेष लिखेंगे तो गुरु की कृपा का महत्व बताया गया है, और दूसरा हम इसमें अनुप्रास एवं काव्यलिंग अलंकार बता सकते हैं। तीसरा दोहा देखिए, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। यह साखी या ये कहें कि प्रस्तुत साखी संत कवि कबीर द्वारा रचित है। इसमें गुरु द्वारा ज्ञान रूपी दीपक देने का भाव व्यक्त हुआ है। क्या बताया है, कबीर दास जी कहते हैं कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, कि मनुष्य भी या वो स्वयं भी अन्य लोगों की तरह सांसारिक एवं लोक सांसारिक और वेदों की जो मान्यताओं थी उनमें वो भी भटक रहे थे। पीछे लगा, पीछे लगे हुए थे, पीछे लगे हुए चल रहे थे, पीछे लगा, पीछे लगकर जा रहा था लोक वेद के साथ, सांसारिक जो वेद हैं उनके जो बातें हैं उन बंधनों में बंध रहा था। आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी, तभी सामने से गुरु मिले और उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक हाथ में दे दिया। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान का प्रकाश है वो, उसे वह भटक रहा था, लोक बंधन में बंध रहा था, तभी ज्ञान का प्रकाश उसे मिल गया। सीधा है, पीछे लागा जाई था, कबीर दास जी कहते हैं कि
वह भी अपने बारे में समझा रहे हैं कि वह भी पीछे लग कर जा रहा था। किसके पीछे? सांसारिक जो वेद हैं और सांसारिक जो मोह माया है उनके बंधन में बंध रहा था। लेकिन तभी क्या होता है, आगे थे सतगुरु, लेकिन तभी सामने से गुरु मिल जाते हैं। रास्ते में ही गुरु मिले, दीपक दिया हाथी, तो उन्होंने दीपक ज्ञान है वो हाथ में दे दिया, अर्थात ज्ञान उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, जिससे वह भटकने से बच गया। बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर जरा उतरी पड़े फरंगी। यहाँ पे प्रसंग सभी का एक समान होगा, सिर्फ उसमें उसके कवि के द्वारा रचित बताने के बाद हमें उस दोहे में क्या बताया गया उससे संबंधित भी बताना है। तो प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा रचित है, इसमें भी गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। क्या बताया है कबीर कहते हैं, बूढ़ा था पे उबरा, बूढ़ा डूबा हुआ, पे लेकिन उबरा उबर गया, ऊपर आ गया। गुरु की लहरी चमकी, गुरु की जो लहर थी, गुरु का जो ज्ञान था वो प्रकाशित हुआ। भेरा देखा जर्जरा, लेकिन एक जीर्ण शीर्ण या पुरानी नाव देखी। उतरी पड़े फरंगी, तो शीघ्रता से उतर जाते हैं फरंगी जल्दी से। अब देखिए इसका क्या होगा, कबीर कहते हैं कि बूढ़ा था पे उबरा, मैं भी विषय सांसारिक विषय वासनाओं के समुद्र में डूब रहा था। क्योंकि डूबना किस चीज़ में डूबे, यहाँ पे सांसारिक मोह माया ही आएगी, तो सांसारिक मोह माया में डूब रहा था। गुरु की लहरी चमकी, लेकिन गुरु की ज्ञान रूपी लहर ने सावधान कर दिया, सजग कर दिया। लहर चमकी, चमकना प्रकाशित कर दिया। भेरा देखा जर जरा, क्या होता है, गुरु ने जो ज्ञान का प्रकाश दिया उसकी वजह से जो जर्जर नाव थी उसमें से भी साफ दिखाई देने लगा, अर्थात सांसारिक मोह माया जो अज्ञानता के कारण क्या थी उसमें फंसता जा रहा था, उससे साफ नज़र आने लग गया। अर्थात ज्ञान देने से जो प्रकाशित करने वाली अच्छी बातें थी वो समझ में आ गई। उतरे पड़े फरंगी, और शीघ्रता से उस सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल गई। यहाँ पे हम सीधा सा समझ सकते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि वह भी सांसारिक मोह माया में बंधते जा रहे थे, उससे उबर नहीं पा रहे थे, लेकिन गुरु की महिमा होने से, गुरु का प्रभाव होने से, उन्होंने जो ज्ञान दिया उसकी वजह से उस अज्ञानता से वो हटकर, वो क्या होते हैं, ज्ञान को देखते हैं तो उससे वो शीघ्रता से सांसारिक मोह बंधन से दूर हो जाते हैं। आगे वाला देखिए, कबीर चित चमकिया, चहु दिस लागी लाई, हरी सुमिरन हाथों गड़ा, बेगे लेहूं बुझाई। क्या बताया गया इसमें, प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा रचित है, इसमें हरि भगवान का स्मरण या भगवान का स्मरण करने से संबंधित बताया गया है। क्या बताया, देखिए, कबीर चित चमकिया, चहु दिस लागी लाई। कबीर दास जी कहते हैं कि अपने चारों तरफ, चारों दिशाओं में लागी लाई, आग लगी हुई थी। कौन सी आग? भोग विलास की, विषय वासनाओं की, सांसारिक मोह की आग लगी हुई थी।
कबीर चित चम गया और उसमें भी क्या हो गया, उनका हृदय भी संतप्त हो गया, उसकी तरफ वे भी आकर्षित हो गए। कबीर दास जी कहते हैं कि सांसारिक विषय वासनाओं की चारों तरफ आग लगी हुई थी, अर्थात चमक दमक उनकी नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से वो भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हरी सुमिरन हाथों घड़ा बेगे ले हूँ बुझाई, तो इसके माध्यम से वो उन लोगों को भी संदेश देना चाहते हैं जो सांसारिक मोह माया में बंधे हुए हैं। तो क्या कहते हैं, हरी सुमिरन हाथों घड़ा, हे मनुष्य अपने हाथ में ईश्वर के स्मरण का जो घड़ा है वो ले लीजिए, अर्थात ईश्वर स्मरण की भावना को अपने मन में उत्पन्न कर लीजिए। बेगे ले हूँ बुझाई और शीघ्रता से उस विषय वासना की जो आग थी, मोह बंधन की जो आग थी, उसे बुझा लीजिए। यहाँ पर सांसारिक मोह माया है, उसे तो तेज लगी हुई आग के समान बताया है और उस आग को बुझाने का तरीका भगवान का स्मरण करना बताया है। तो क्या कहा है, कबीर चित चम गया, कबीर दास जी कहते हैं कि लोगों का हृदय आकर्षित हो जाता है, चहु दिस लागे, चारों दिशाओं में जो विषय वासना मोह माया की जो आग लगी हुई है उसकी वजह से। हरी सुमिरन हाथों घड़ा, इसलिए मनुष्य को हरि के स्मरण करने का जो घड़ा है, अर्थात हरि के स्मरण करने की भावना अपने हृदय में भर लेनी चाहिए और उस आग को बुझा लेना चाहिए। जैसे पानी डालकर आग को बुझाया जाता है, वैसे ही अपने हृदय में जो आग जल रही है, कौन सी विषय वासनाओं की भावनाओं की उत्पन्न होने की जो आग है, उसे संतुष्ट कर लेना चाहिए। अब हम इसका विशेष लिखेंगे कि विषय वासना को भगवान स्मरण से दूर किया जा सकता है। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की जो कालांश थी उसमें कबीर द्वारा रचित पांच दोहों का अध्ययन करवाया गया है। तुम्हें ये सभी अपने नोटबुक में करने हैं। पहले कबीर का परिचय करना है और उसके बाद एक एक दोहा लिखते हुए सह प्रसंग व्याख्या करनी है। यदि नहीं समझ में आती है तो पुनः पूछ सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी अध्ययन करने के लिए लग जाओगे तुम्हें फायदा है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।